इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांदीवली हीरानंदानी सोसाइटी समेत जिन 9 जगहों पर फर्जी कैंप लगाए गए उन्हें कांदीवली के केसीईपी सेंटर से आयोजित किया गया। इसी ऑफिस को डॉक्टर मनीष चला रहे हैं और अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हम इस वक्त मौजूद हैं कांदीवली वेस्ट के चारकोप इलाके में और चारकोप इलाके का यही वो केसीईपी ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो खुद को गवर्नमेंट एफिलेटेड बताता है और यहाँ पर मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेस के जो नर्सिंग के क्लासेस हैं, नर्सिंग की जो कोचिंग है वो यहाँ दी जाती है। 1000% यहाँ पर जॉब की गारंटी दी जाती है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी इन नर्सिंग, जीएनएम जनरल नर्सिंग, ऐसी तमाम यहाँ पर डिग्रियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये जानकारी मिली है कि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जो इस केसीईपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के कर्ता धरता थे, यहाँ से पूरा सेटअप इस वैक्सीन सेंटर्स का लगाया जाता था जो हीरानंदानी हेरिटेज इमारत या सोसाइटी के अंदर जो 390 लोगों को वैक्सीन दिया गया, या टिप्स की जो दुर्गा चैम्बर जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो लोगों को वैक्सीन दिया गया, या जो दूसरे सोसाइटियों में और कॉलेजेस में वैक्सीन दिए गए, वो सभी वैक्सीन यहीं से निकले थे केसीईपी स्कूल्स ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज की इस इंस्टीट्यूट से निकले थे। यहाँ पर वो वायल्स निकलते थे। ये वायल्स जो है राहुल पांडे और महेंद्र सिंह, चंदन सिंह, ये तमाम लोग लेकर जाते थे और साथ में यहीं से जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो भी साथ में जाता था और मेडिकल वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाता था। इस वैक्सीनेशन कैंप की जानकारी बीएमसी को नहीं दी जाती थी और बीएमसी को पता नहीं होता था कि किस जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी न जानकारी बीएमसी को दी जाती थी और न ही डोज की कोई जानकारी अभी तक पुलिस और बीएमसी को पता चल पाई कि ये डोज कहाँ से लाए गए थे। जो वायल्स यानी जो वैक्सीन डोज का इस्तेमाल किया गया वो असली था या नकली था, क्या उसमें शीशियों में पानी भरा हुआ था या शीशियों में जो डोज था वो सही में वैक्सीन का डोज था, इन तमाम चीजों की जांच मुंबई पुलिस और बीएमसी लगातार कर रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।